नमस्कार दोस्तों, जे स्टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारा जो साइंस का जो है हम आज एक बेसिक टॉपिक जो है दोस्तों यहाँ आज डिस्कस करेंगे जो कि है मानव शरीर के बारे में। जो जैसे हमने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र ऐसे सारे पढ़े थे, वहीं दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों मानव तंत्रिका तंत्र। अब दोस्तों हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो अंग हो गए, उत्तक हो गए, कोशिकाएँ हो गई, या विभिन्न प्रकार के जो दूसरे तंत्र हो गए, तो दोस्तों इनको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, कोई ना कोई जो है ऐसा तंत्र कार्य करता है जो इन सब में आपस में जो सामंजस्य बिठाता है, इन सब में जो है विभिन्न अंगों के बीच में सामंजस्य बिठाता है, इनसे सिग्नल लेता है, इनको वापस सिग्नल जनरेट करके भेजता है कि क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ से हट जाना चाहिए, किसके प्रति कैसे जो है रिएक्ट करना चाहिए। दोस्तों वो पूरा जो कंट्रोल है वो तंत्रिका तंत्र के पास होता है, नर्वस सिस्टम के पास होता है, जिसके आधार पर ही हम सुनना, बोलना, लिखना, महसूस करना, देखना, जो ये सारी दोस्तों गतिविधियाँ हैं जो हम क्रियान्वित कर सकते हैं। दोस्तों उसी तंत्रिका तंत्र के बारे में हम यहाँ जो विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें तो तंत्रिका तंत्र क्या करता है दोस्तों, ऐसा तंत्र है जो मानव के जो अंग है और वातावरण के मध्य जो है दोस्तों सामंजस्य स्थापित करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि विभिन्न अंगों के मध्य हमारे जो विभिन्न अंग है वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, आपस में कैसे कार्य करेंगे, उनके बीच में जो है ये संबंध स्थापित करता है। अब दोस्तों हम तंत्रिका तंत्र की बात कर लें कि इसके कितने हिस्से, तो मुख्य रूप से दोस्तों इसके जो है दो हिस्से होते हैं। दो हिस्से कौन कौन से होते हैं हम बात कर लें कि पहला हिस्सा हमारे पास जो होता है वो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल मतलब बीच का मध्य वाला जो हिस्सा है, और परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों पेरिफेरल जो है नर्वस सिस्टम, मतलब बाहर का जो भी हिस्सा है इसके अंतर्गत आता है। अब दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भी यहाँ जो है दो भाग पढ़ने को मिलेंगे। इसके पहले भाग की हम बात करें दोस्तों तो मेरुरज्जु हो गया, और दूसरी भाग की बात करें तो दोस्तों ये मस्तिष्क हो गया जो हमारा ये ब्रेन होता है। अब मस्तिष्क के भी दोस्तों हम यहाँ तीन भाग पढ़ेंगे, पहला हो गया अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और ब्रेन, और दोस्तों उसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। ये तीनों जो है मस्तिष्क के भाग होते हैं, हमारे दिमाग के भाग होते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ जानकारी लेंगे। उसके बाद दोस्तों परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात कर ले तो ये भी दोस्तों है जो मुख्य रूप से इसमें दो प्रकार के तंत्र कार्य करते हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। फिर यहाँ से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग है दोस्तों, अनुकंपी जो है तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो ये दोस्तों इसके जो है विभिन्न भाग है, इनके जो विस्तार में हम जानकारियां देख लेते हैं कि ये कौन सा हिस्सा जो है हमारे शरीर में किस काम के लिए उत्तरदायी होता है और ये काम कैसे होता है। दोस्तों आगे हम जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो बात करें दोस्तों, तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मस्तिष्क की। मस्तिष्क दोस्तों हमारा माइंड जो हमारे खोपड़ी के अंदर रहता है, जो हमें सोचने समझने की सारे जो हमारे पूरे शरीर को जो दोस्तों नियंत्रित करना, उसका अगर हम चित्र देख रहे दोस्तों ये इस प्रकार के कुछ चित्र होता है दोस्तों। इसमें आगे वाला जो हिस्सा है ये प्रेम मस्तिष्क कहलाता है, ये जो यहाँ वाला जो हिस्सा है ये मध्य मस्तिष्क कहलाता है, उसके बाद ये हिस्सा थोड़ा सा आगे निकल रखा है देखो दोस्तों, ये पीयूष ग्रंथि कहलाता है, फिर ये वाला हिस्सा जो है पॉन्स कहलाता है, ये वाला हिस्सा या नीचे जो मेडुला ऑब्लिगेटा कहलाता है। अब दोस्तों इसमें मध्य मस्तिष्क और ये जो है मेडुला ऑब्लिगेटा दोनों मिलकर दोस्तों पश्चिम मस्तिष्क का जो है निर्माण करते हैं। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों ये ऊपर वाला हिस्सा ये थैलेमस कहलाता है, यहाँ और इस थैलेमस के जस्ट नीचे की साइड ये जो हिस्सा होता है ये हाइपोथैलेमस कहलाता है, और ये जो पीछे पूरा आप जैसे राउंड राउंड में जो हिस्सा देख रहे हो ये अनुमस्तिष्क कहलाता है। अब दोस्तों मस्तिष्क के जो ये चित्र, इसके रिगार्डिंग जो है और भी दूसरी इसमें चीजें देख लेते हैं मस्तिष्क के बारे में क्या है दोस्तों। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि मस्तिष्क जो है एक केंद्रीय अंग है हमारे शरीर का, कैसा अंग है, केंद्रीय अंग, जो क्या काम करता है सूचनाओं का विनिमय, मतलब सूचनाओं का जो आदान प्रदान हो गया, उसके अलावा आदेश, हम जो हमारे अंगों को जो आदेश देते हैं कि जैसे ये करना है, जैसे ये मार्कर पड़ा, अगर मैं अपने मस्तिष्क जो है इसको आदेश देगा हाथ से कि भी उठा लो तो हाथ ये काम करेगा, वो आदेश देना तथा नियंत्रण का कार्य करता है मस्तिष्क, इनको नियंत्रित करता है कि कोई चीज कैसे बराबर से हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद दोस्तों नियंत्रण में हम चीजें देखें तो क्या क्या कर सकता है मस्तिष्क, तो इसमें सबसे पहले आता है तापमान का नियंत्रण, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर उसको कंट्रोल करना, मानव व्यवहार हम किस प्रकार का व्यवहार जो है करते हैं। उसके बाद रुधिर परिसंचरण, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड को पूरे शरीर में इधर उधर पहुंचाना कोशिकाओं तक। उसके बाद श्वसन हो गया, सांस हम जो लेते हैं अंदर बाद। उसके बाद देखने का, क्या चीज कहाँ देखनी, कितनी देखनी, कैसे देखनी। उसका सुनने का काम, हमारी जो श्रवण क्षमता है वो
उसके बाद हो गया बोलने का, क्या चीजें कैसे बोलनी, कैसे शब्दों को समझना है। उसके बाद है ग्रंथियों का स्त्रावण। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती है जो हार्मोन का स्त्रावण करती है। वो हार्मोन कब स्त्रावित करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए, ये सारा नियंत्रण भी हमारा जो है मस्तिष्क ही करता है। उसके बाद दोस्तों हम वजन की बात कर ले तो ये इम्पोर्टेंट या क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो मस्तिष्क का वजन है दोस्तों वो 1.5 kg होता है, 1.5 kg जो है होता है। उसके बाद दोस्तों आगे बात कर ले, ये हमारे शरीर का सर्वाधिक जटिल अंग है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है दोस्तों बहुत ही जो है कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है। उसके बाद है दोस्तों ये खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है। हमारे शरीर के ऊपर जो ये हड्डियों की बनी हुई खोपड़ी है दोस्तों, इसके अंदर ये जो है सुरक्षित रहता है। और मस्तिष्क के आवरण के बीच दोस्तों, खोपड़ी और मस्तिष्क जहाँ रहता है उसके आवरण के बीच एक खांच की तरह एक द्रव्य रहता है दोस्तों, जिसे मस्तिष्क मेरुर द्रव्य जो है कहा जाता है। यहाँ पर इस वाले हिस्से में जो है पूरा जो द्रव्य रहता है वो मस्तिष्क मेरुर द्रव्य कहलाता है। उसके बाद दोस्तों हम इसमें सबसे पहले वाले भाग की बात कर लेते हैं, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है दोस्तों वो किस किस से मिलकर बना होता है, प्रेमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मतलब ये प्रेमस्तिष्क वाला हिस्सा एक ये हो गया, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस मतलब दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो तो ये ऊपर का ये पूरा ये हिस्सा यहाँ से, मतलब ये इस स्थिति से यहाँ से मैं बात कर लू ये ऐसे घूम के, ये पूरा दोस्तों जो हिस्सा है वो प्रेमस्तिष्क जो है कहलाता है। और प्रेमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये सारे मिल जाते हैं, और अग्र मस्तिष्क कहलाता है, मतलब फोर ब्रेन का जो हिस्सा है। ये भी हमारे दोस्तों मस्तिष्क का सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों भाग है। ये क्या काम करता है, जो सबसे पहले तो ये 80-85% भाग है पूरे मस्तिष्क का ये बनाता है। आप देख सकते हो दोस्तों ये ऊपर वाला जो ये पूरा हिस्सा, ये तो केवल इस मस्तिष्क से बना, अग्र मस्तिष्क में है, बाकी ये सारे छोटे छोटे से है, तो ये 80-85% भाग है जो इस मस्तिष्क के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इसका काम मुख्य काम हो गया दोस्तों, ज्ञान हो गया, चेतना हो गया, सोचने और विचारों का जो कार्य हो गया, ये सारा काम है जो हमारा अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन जो है करता है। अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या है, ये एक लंबा गहरा और विदर प्रेमस्तिष्क को दो जो है गोलार्ध बाएं और दाएं में, जैसे दोस्तों हम अगर सामने से देखें तो इसमें मस्तिष्क में दोस्तों यहाँ ये एक गहरा विदर होता है, जो विदर वाला जो होता है दोस्तों जो है राइट वाला हो गया, और ये लेफ्ट वाला दाया हो गया, और ये बाया भाग हो गया, मतलब ये एक गोलार्ध हो गया और ये दूसरा गोलार्ध हो गया, दाया गोलार्ध और बाया गोलार्ध। इसमें ये जो गहरा लंबा विदर है जो दोस्तों इस मस्तिष्क को दो भागों में बांट के रखता है। उसके बाद दोस्तों प्रत्येक गोलार्ध में, इस वाले गोलार्ध में, इस वाले गोलार्ध में कौन क्या है दोस्तों, ग्रे मैटर या दूसरा जो द्रव्य है वो पाया जाता है, जो प्रांतस्था या वाल्कुट या जिसको कॉर्टेक्स ये जो है दोस्तों कहलाता है। उसके बाद हम आगे बात कर ले दोस्तों, अंदर की ओर श्वेत द्रव्य होता है जो भाग क्या कहलाता है, अंतस्था या मध्यांश, जिसको या मेडुला जो ये भाग कहलाता है, इसके अंदर वाला जो श्वेत द्रव्य जो होता है। उसके बाद हम आगे बात कर ले दोस्तों, दूसरे द्रव्य में जो है लाखों की संख्या में जो दोस्तों तंत्रिका पाई जाती है, और इन तंत्रिकाओं के कारण क्या होता है दोस्तों, इसका जो कलर है वो दूसरा दिखाई देता है, ग्रे कलर का हमें ये दिखाई देता है। उसके बाद हम बात कर ले दोस्तों, दोनों जो गोलार्ध है कि ये जो लेफ्ट वाला हो गया और राइट वाला हो गया, ये दोनों गोलार्ध दोस्तों आपस में चिपके हुए कैसे रहते हैं, तो वो जो है दोस्तों कार्पस कैलोमस की एक पट्टी होती है जिसके द्वारा ही जुड़े रहते हैं। मतलब ये भाग और ये भाग इन दोनों को जोड़ने की जो यहाँ पट्टी होती है वो कार्पस कैलोमस नाम की जो पट्टी होती है वो इनको जोड़ के रखती है। उसके बाद दोस्तों प्रेमस्तिष्क के चारों ओर जो ये प्रेमस्तिष्क हो गया दोस्तों, इसको चारों ओर से कौन घेरे रहता है, थैलेमस। थैलेमस जो है इसके चारों ओर एक आवरण रहता है थैलेमस का, जो इसको घेर के रखता है। और इसका क्या काम होता है दोस्तों, संवेदी और प्रेरक संकेतों को, संवेदी मतलब कोई महसूस करना कोई चीज को है, सेंसरी जो भी सिग्नल होता है, जैसे सूंघना है तो क्या जी स्मेल खराब है या नहीं है, देखना है तो क्या है, जैसे कोई गर्म चीज का हमारा हार्ट टच हो गया, तो ऐसा संवेदी जो भी चीजें होती है दोस्तों, सेंसरी जो भी चीज होती है, सेंस करना किसी चीज को, किसी चीज को ठंडा सेंस करना, गर्म सेंस करना, ये सारा ज्ञान जो है दोस्तों थैलेमस के द्वारा होता है। अब उसके बाद दोस्तों प्रेमस्तिष्क के चारों ओर थैलेमस घिरा हुआ रहता है, जो संवेदी और प्रेरक संकेतों का केंद्र है। उसके आगे हम देख रहे हैं दोस्तों, अग्र मस्तिष्क के डाइएन्सेफेलोन भाग पर एक हाइपोथैलेमस स्थित होता है दोस्तों। इस थैलेमस के नीचे हम यहाँ की बात करते हैं तो ये वाला हिस्सा पूरा जो है हाइपोथैलेमस है। अब इसका क्या काम है दोस्तों, हमको भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना नहीं आना, हमारे शरीर का तापमान हो गया, हमें थकान हो रही है नहीं हो रही, उसके बाद मनोभावनाएं होगी, उसके बाद अभिव्यक्ति आदि का जो ज्ञान दोस्तों इसी से होता है। मतलब हमारा जो थैलेमस जो है दोस्तों वो तो क्या करता है, संवेदी और प्रेरक जो है दोस्तों सिग्नलों को इधर उधर ले जाता है,
और उसके बाद हम दोस्तों हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में भूख लगना, प्यास लगना, हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा, नींद क्या रहेगी, थकान हो रही है नहीं हो रही है, हम दिमाग में किस प्रकार का सोच रहे हैं, किस प्रकार के हमारे विचार जो है माइंड में जो है उत्पन्न हो रहे हैं, वो सारा दोस्तों हाइपोथैलेमस है जो आपका कंट्रोल करता है। दोस्तों मस्तिष्क के जो आगे वाला भाग है सेकेंड है मध्य मस्तिष्क, और जो उसके बाद बचा वो पश्चिम मस्तिष्क और सेकेंड भाग है मेरुरज्जु, इनके बारे में हम जानकारी देख लेते हैं। मध्य मस्तिष्क की हम बात करें दोस्तों मिड ब्रेन की, तो इसके अंदर क्या आता है दोस्तों, ये चार विंडो में बैठा हुआ होता है, मतलब इसके चार भाग होते हैं जो दोस्तों हाइपोथैलेमस तथा पश्चिम मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। ये हमको ध्यान रखना है, ये कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस और पश्चिम मस्तिष्क, मतलब हाइपोथैलेमस हो गया दोस्तों ये और पश्चिम मस्तिष्क हो गया ये, मतलब इनके बीच में ये यहाँ कहीं जो है दोस्तों स्थित रहता है। इसके दोस्तों प्रत्येक जो इसका पिंड होता है उसको दोस्तों कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है, मतलब ये जो चार पिंडों में होता है इन पिंडों का जो नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन जो है इसका नाम है। इसके दोस्तों दो ऊपरी पिंड जो है दृष्टि के लिए, मतलब ऊपर के दो पिंड जो केवल हम जो देखते हैं क्या चीज देखनी है कितनी देखनी है उसके लिए दोस्तों उत्तरदायी होते हैं, और निचले दो पिंड सुनने के लिए, श्रवण के लिए, हम क्या चीज सुननी है कितनी सुननी है उसके लिए दोस्तों उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद हम दोस्तों पश्चिम मस्तिष्क की बात कर ले तो इसके अंदर दोस्तों क्या आता है, मध्य मस्तिष्क आता है, पॉन्स आता है और मेडुला ऑब्लॉगेटा या जिसको मध्यांश भी कहते हैं, ये तीनों चीजें मिलके दोस्तों, ये वाली चीज पॉन्स और ये तीनों चीजें मिलके जो है पश्चिम मस्तिष्क का जो है दोस्तों निर्माण जो है करता है। इसमें दोस्तों अनुमस्तिष्क जो मस्तिष्क का दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा भाग है, और ये अनुमस्तिष्क जो है दोस्तों वो भी इसी में आता है, मतलब क्या क्या हो गया देखो, पश्चिम मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क आ गया, पॉन्स आ गया, मेडुला ऑब्लॉगेटा आ गया जो दोस्तों, ये सारी जो चीजें इसके अंतर्गत आते हैं। और ये जो मध्य मस्तिष्क है ये हमने यहाँ पढ़ लिया, ये चार हिस्सों में जो डिवाइड होता है, यहाँ से पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत कौन सा आता है, मेडुला ऑब्लॉगेटा आता है, अनुमस्तिष्क आता है, ये तीनों चीजें आती है। तो अनुमस्तिष्क हम देखे दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा भाग है, और ये ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण कर रहा है। ऐच्छिक पेशियां कौन सी होती है दोस्तों, जिनके ऊपर हमारा नियंत्रण होता है, जैसे पलकों का झपकना हो गया, हाथों का इधर उधर ले जाना हो गया, पैरों को हो गया, हमारा चलना हो गया, ये सारी ऐच्छिक पेशियां जिनके ये नियंत्रित करता है। उसके बाद हम दोस्तों अगली बात करते हैं, एक विलगित सतह वाला भाग है जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। दोस्तों विलगित मतलब खाली जगह जैसे कह सकते हैं हम, जो क्या होता है न्यूरॉन्स को अतिरिक्त जो है स्पेस प्रदान करता है। पॉन्स जो दोस्तों हम बात कर ले कहा रहा है, ये इस जगह जो होता है, पॉन्स जो है मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में कनेक्ट करता है, मतलब ये जोड़ने वाला जो है तंत्र है। उसके बाद हम बात कर रहे दोस्तों मेडुला ऑब्लॉगेटा, ये वाला या जो मध्यांश है वो अनैच्छिक क्रियाओं पर जो दोस्तों नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया क्या होगी, जिनके ऊपर हमारा बस नहीं चलता, जैसे हृदय की धड़कन, ये हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक होती है। उसके बाद रक्तदाब हो गया, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, पाचक रसों का स्त्रावण जो है, इन सब चीजों का नियंत्रण करता है। हमारे बॉडी में जो भी पाचन तंत्र है उसमें कौन कौन से पाचक एंजाइम जाएंगे उसका नियंत्रण भी जो है दोस्तों मेडुला ऑब्लॉगेटा जो है ये करता है। उसके बाद दोस्तों ये है अंतिम भाग है जो मेरुरज्जु को जोड़ता है। दोस्तों ये मेरुरज्जु हो गया और मेडुला ऑब्लॉगेटा का ये हिस्सा, तो ये मेरुरज्जु से जोड़ने वाला जो है मस्तिष्क का जो है अंतिम या आखिरी जो है इसको भाग हम कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों मेरुरज्जु के बारे में, तो ये स्पाइनल क्रॉड है, यहाँ से नीचे हम देखें तो मेरुरज्जु कहलाती है। इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों, ये लगभग जो है 5 सेंटीमीटर लंबी जो है होती है। ये तंत्री की नाल है जो कशेरुकों के मध्य दोस्तों सुरक्षित रहती है, ये लंबी नली के जैसे जाती है पीछे के हमारे रेड किडनी में, तो वहां क्या होता है दोस्तों, ये कशेरुकों द्वारा सुरक्षित रहती है। इसके जो दोस्तों मध्य भाग में एक संकरी मतलब पतली जिसको कह सकते हैं केंद्रीय नाल होती है, जो दो स्तर की मोटी दीवारों से घेरे हुए होती है, मतलब इसके दोनों तरफ दो मोटी दीवारें जो है दोस्तों इसको घेरे रहती है। अब इसमें भीतरी स्तर को दोस्तों दूसर द्रव्य, मतलब भीतरी स्तर में दूसर द्रव्य होता है और बाहरी जो स्तर है उसमें स्वेद द्रव्य जो होता है। अब इसके बाद दोस्तों इसके बाद कर लें, इसमें दूसर द्रव्य जो है मेरुरज्जु के भीतर प्रारंभ से अंत तक, मतलब ये यहाँ से प्रारंभ से अंत तक पूरे लंबे स्तंभ के रूप में, कॉलम के रूप में जो है दोस्तों ये होता है। उसके बाद हम बात कर लें दोस्तों, मेरुरज्जु जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन वे नियमन करता है, एक तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो संचालन और उसका जो कंट्रोलिंग करता है। उसके अलावा क्या करता है दोस्तों, मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क से विभिन्न अंगों तक और विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक जो भी दोस्तों सूचना है, जो भी आवेग जो भी संकेत जाते हैं उन सब के लिए पथ प्रदान करने का काम कौन करता है, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु एक कनेक्टिंग टिश्यू जिसको कह सकते हैं, जो सिग्नलों को इधर उधर भेजता है, हाथ पैरों से या विभिन्न अंगों से सिग्नल दिमाग तक पहुंचाता है, दिमाग से सिग्नल जो है विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए जो पथ का निर्माण है वो भी यही करता है। तो दोस्तों ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो है भाग थे, दो भाग हमने पढ़े थे, पहला हमारा ए भाग था दोस्तों मस्तिष्क और बी भाग उसका है मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलके
जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। इसके आगे वाला जो भाग है दोस्तों कायिक तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल जो तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आगे दोस्तों इसका जो सेकंड हिस्सा है दूसरा जो भाग है वो हम देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा भाग जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र मतलब पेरिफेरल जो है नर्वस सिस्टम मतलब बाहर का जो होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पूरा मस्तिष्क आ गया, मस्तिष्क के कैसे काम करते हैं कौन से भाग होते हैं वो हो गया। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र मतलब बाहर वाला हिस्सा, यूं समझ लीजिए दोस्तों मस्तिष्क जो होता है वो हमारा अगर जनरेटर है तो अब जो जनरेटर है दोस्तों अगर उससे बिजली उत्पादित भी हो रही है तो उसको विभिन्न हिस्सों तक कैसे पहुंचाएंगे, वो तारों के द्वारा पहुंचाएंगे। तो दोस्तों वो तारों का जो जाल है वही जो परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। इसके क्या मेन मेन हिस्से हैं, क्या मेन मेन भाग है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का एक समूह है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जाने मतलब वहां सिग्नल जो भी जाते हैं वहां से जो भी सिग्नल आते हैं दोस्तों उन सिग्नलों पे या उन संदेशों पे दोस्तों ये निर्वहन का जो है कार्य करते हैं, मतलब लाने ले जाने का जो पूरा काम वो इनके द्वारा होता है। दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, पहला जो हमारे पास हो गया कायिक तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र के बारे में हम देख लेते दोस्तों, इस तंत्र से बाह्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया तथा मांसपेशी आदि का जो है दोस्तों कार्य जो है किया जाता है, नियंत्रण जो किया जाता है इसके ऊपर। एक तो बाह्य दोस्तों जो उत्तेजनाएं हैं या जो प्रतिक्रियाएं हैं तथा मांसपेशियों को कैसे क्या इधर उधर ले जाना है, क्या करना है उनको कैसे क्रियान्वयन करना है, ये सब काम दोस्तों कायिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। उसके बाद अगला भाग कर लेते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये दूसरा भाग है इसका परिधीय तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है दोस्तों, ये जो तंत्र है उन अंगों की क्रियाओं का संचालन करता है जो व्यक्ति की इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता, मतलब अनिश्चित क्रियाएं जो भी है दोस्तों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के ऊपर निर्भर करती है। जिसमें क्या हो गया दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जैसे हृदय की धड़कन होगी, हमारे दिल का धड़कना जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं रहता तो वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद फेफड़े हो गए दोस्तों, सांस लेना बंद करना जो भी है, और उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथि जो भी हार्मोन का स्त्रावन होता है वो सब दोस्तों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है करता है, जिनके ऊपर हमारा जो खास नियंत्रण भी नहीं रहता। उसके बाद अगली बात कर ले दोस्तों, यह तंत्र जो है तंत्रिकाओं के समूह की एक श्रृंखला होती है, मतलब बहुत सारे इसमें कुछ है बहुत सारी तंत्रिकाएं होती है, समूह होती है दोस्तों, और जिसे शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों के तंत्रिका तंतु जुड़े होते हैं। हमारे शरीर के जो विभिन्न हिस्सों में विभिन्न हर एक अंगों में ये फैल रखी होती है जिनके तंतु जुड़ रखे हैं, तो वहां से कोई भी चीज होती है तो सर जो हाथ पैर हो गए विभिन्न अंग उनको क्या प्रतिक्रियाएं देनी या मस्तिष्क उनके ऊपर कैसे काम करेगा, तो ये सारा दोस्तों वहां से जाने वाले ये वायर समझ लो, वायर नुमा संरचना हमारे शरीर के जो सिग्नलों को आवेगों को जो है लाने ले जाने का जो दोस्तों काम करते हैं। अब दोस्तों इसके भी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भी जो है यहाँ दो भाग और हो जाते हैं, वो क्या है दोस्तों, पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या है इससे दोस्तों सतर्कता व उत्तेजना का नियंत्रण होता है। सतर्कता क्या है कि दोस्तों जैसे हम चल रहे हैं, मान लो जैसे एक एग्जांपल से कोई कुत्ता भौंक गया, हम आराम में अचानक से डर जाते हैं या किसी ने हमें पीछे से डरा दिया तो वो हम सतर्क हो जाते हैं या खतरा देख के जो भाग जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों उत्तेजना होती है जैसे ज्यादा पसीने का होना, ज्यादा दौड़ना, किसी चीज को डरना, कोई अच्छी महसूस करना, ये सारी चीजें दोस्तों जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहलाता है। और ये आपातकालीन स्थिति में दोस्तों हमारे शरीर को जो है अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है ताकि हमें उससे लड़ने की जो है दोस्तों ताकत जो यहाँ मिल सके। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या क्या मतलब ये काम करता है तो कैसे होता है, जैसे हृदय की गति तेज होती है, जैसे हम कब किसी चीज से डर जाते हैं तो हमारे दिल की जो धड़कन है वो धड़कन बहुत तेज हो जाती है। उसके अलावा दोस्तों श्वास गति जो है हमारे सांस लेने की जो गति है वो भी बढ़ जाती है, मतलब खतरा भांपने का जो भी काम है वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहता है। उसके बाद दोस्तों सेकेंड इसका भाग है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसका काम क्या होता है, शारीरिक ऊर्जा का संचयन करना। दोस्तों हमारा जब शरीर जब हम नहीं देख रहे होते, नहीं सुन रहे होते या कोई भी काम दोस्तों हम नहीं कर रहे होते या सो रहे होते या हम आंख बंद करके बैठे होते हैं तो उस टाइम क्या होता है दोस्तों, ये हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का जो है संचय करता है, ऊर्जा इकट्ठी करके रखता है। कोई दूसरी जो स्थिति जब हम देख रहे होते, सुन रहे होते, बोल रहे होते, चल रहे होते तो उस टाइम ये शरीर को जो है दोस्तों ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें हम बात करें जैसे आंख की पुतली को सिकोड़ना, आंख की जो पुतली होती है दोस्तों उसको सिकोड़ना जैसे कि हम नींद की अवस्था में करते हैं, लार हो गया और पाचक रसों में वृद्धि का काम भी जो है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। दोस्तों ये पूरा जो हिस्सा था वो परिधीय तंत्रिका तंत्र का जो है एक हिस्सा था, और परिधीय तंत्रिका तंत्र खुद जो है एक हिस्सा था जो हमारा मानव तंत्रिका तंत्र है। तो पहला हिस्सा कौन सा हो गया, जिसमें मस्तिष्क हमने पढ़ा था, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वहां से जोड़ने वाली जो चीजें हैं जो श्रृंखलाएं होती है समूह होती है दोस्तों वो परिधीय तंत्रिका तंत्र हो गया। इसके बाद जो दोस्तों तीसरा भाग जो आता है तंत्रिका तंत्र में उसका हम बात कर ले, तंत्रिका कोशिका। कोशिका है ये न्यूरोन जो दोस्तों सिग्नल को इधर उधर
ले जाने का जो काम करती है उसके बारे में हम देख रहे थे। ये आप यहाँ चित्र देख सकते हो, उससे पहले हम बेसिक संरचना इसकी जो जान लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है तो केंद्रीय तंत्रिका, ये जो दोस्तों जो हमारा मेन तंत्रिका तंत्र होता है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक जो है इकाई होता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरोन। जैसे हमारे शरीर में कोशिकाएं होती है जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, वैसे दोस्तों मानव तंत्रिका तंत्र पूरे की जो है ये तंत्रिका कोशिका जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों हम बात कर ले हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों से एक जगह से दूसरी जगह जो है दोस्तों संकेतों को भेजना और वहां से क्या प्रतिक्रिया करनी वो सिग्नल। जैसे हमारा हाथ है किसी तीखी चीज के, किसी गर्म चीज के टच हो गया तो यहाँ से जो सिग्नल है दोस्तों इन न्यूरॉन के थ्रू मस्तिष्क तक जाएंगे। फिर मस्तिष्क वहां से पहले से जो डिफाइन चीजें होती है दोस्तों, पहले से हमारे दिमाग में जो स्टोर होती है उसके अनुसार उनके दोस्तों तुलना करता है कि ये चीज ठंडी है, गर्म है, या हाथ लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, वहां से वो मस्तिष्क सिग्नल भेजता है। अगर दोस्तों कोई हमारे शरीर को हार्मफुल कोई चीज है तो वो सिग्नल भेजेगा कि हाथ को वहां से तुरंत हटा दिया जाए, या पैर हमारा टच है तो पैर को वहां से तुरंत हटा दिया जाए, ये सिग्नल भेजता है। तो दोस्तों ये शरीर के विभिन्न अंगों तक होती है, ऐसे नहीं कान में नहीं आंख में नहीं, हर एक जगह ये जो न्यूरॉन दोस्तों फैले हुए होते हैं, मतलब अंगों को जो है मस्तिष्क से जोड़ने का ये जो कार्य करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम चित्र की बात कर रहे हैं, धूम्राक्ष है दोस्तों, ये सारे जो आपने इधर देख रहे ये निसेल ग्रेन्यूल है इसके, ये केंद्रक हो गया, ये तंत्रिकाक्ष हो गया दोस्तों, यहाँ से छोटे छोटे आप देख सकते हो जुड़े हुए, ये कोशिका काय हो गया दोस्तों, ये पूरा जो हिस्सा चलता है, ये आगे की जो छोटी छोटी पुटिकाएं होती है सिनेप्टिक नोब या सिनेप्टिक पुटिका कहलाती है दोस्तों यहाँ होती है, और ये तंत्रिकाक्ष का जो है लास्ट सिरा होता है, इस तंत्रिकाक्ष का जो सिरा, इसके बारे में हम देख लेते हैं बेसिक बेसिक जानकारी क्या होता है। पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों फर्स्ट नंबर पे जो है कोशिका काय, काय का मतलब होता है बॉडी और सेल्स बॉडी जिसको हम कह सकते हैं, कोशिका काय ये क्या काम करते हैं दोस्तों, इसे पहले तो नाम इसको एक और नाम ध्यान रखना है, इसको साइटोन भी कहते हैं। इसमें केंद्रक तथा प्रारूपिक कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें एक तो केंद्रक पाया जाता है ये हो रहा, और प्रारूपिक जो है दोस्तों कोशिकांग कोशिका के अंग जो है यहाँ पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में अभिलक्षणिक अति अभिरंजित जो दोस्तों निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, ये निसेल ग्रेन्यूल हो गए, ये छोटे 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 यहाँ पे जो भी है ये सारे निसेल जो है ग्रेन्यूल होते हैं। उसके बाद ध्रुमाक्ष, ध्रुमाक्ष दोस्तों दूसरे हिस्से की हम बात कर ले इसके, ये वाले हिस्से जो जो भी ये निकल रखे इधर नो वगैरह दोस्तों ध्रुमाक्ष कहलाते हैं। इसमें क्या कोशिका काय से निकले छोटे छोटे तंतु जो शाखाओं के रूप में होते हैं और उद्दीपनों को, उद्दीपन होते हैं दोस्तों आवेग हो गया, संकेत हो गया, सिग्नल कह लो, उनको क्या करते हैं दोस्तों कोशिका काय की ओर भेजते हैं। मतलब यहाँ से अगर कोई भी चीज टच होगी यहाँ से कोई भी, तो वो कोशिका काय की यहाँ अंदर की ओर जो है ये सिग्नलों को या उद्दीपनों को यहाँ से भेजता है। उसके बाद हम दोस्तों तीसरी बात कर रहे हैं यहाँ तंत्रिकाक्ष की, तंत्रिकाक्ष दोस्तों ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा तंत्रिकाक्ष है, इसके बाद वाला हिस्सा है मतलब कोशिकाएं से, कोशिका काय से जुड़ा हुआ आगे का हिस्सा दोस्तों तंत्रिकाक्ष कहलाता है। ये लंबा बेलनाकार प्रवर्धक है, सबसे पहले ये ध्यान रखना दोस्तों इसके ये कैसा है लंबा और बेलनाकार प्रवर्ध है, मतलब प्रवर्ध मतलब बार बढ़ा हुआ हिस्सा है निकला हुआ, जो कोशिका काय के एक हिस्से से शुरू होकर धागेनुमा शाखाएं बनाता है। इसकी प्रत्येक शाखा एक स्तूल का निर्माण करती है जिसे अवग्रंथनी गुंडी या सिनेप्टिक नोब कहा जाता है, ये ध्यान रखना दोस्तों अवग्रंथनी गुंडी या सिनेप्टिक नोब, ये दोस्तों ये छोटी धागेनुमा की संरचना होती है, छोटी छोटी ऐसे खूब सारी होती है, ये यही दिखा रहे थे लेकिन इन सब के आगे होती है ये सिनेप्टिक नोब या सिनेप्टिक पुट्टिकाएं जो है दोस्तों कहलाती है। इसमें सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती है, इनमें न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं जो तंत्रिका आवेग के संप्रेषण में सहायता करते हैं। ये सिग्नल दोस्तों यहाँ से जाते जाते अगर कमजोर पड़ जाते हैं तो इन सिग्नलों को वापस आगे जो ऊर्जा प्रदान करने का काम है वो करता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर दोस्तों इन पुट्टिकाओं में पाया जाता है, सिनेप्टिक नोब या सिनेप्टिक जो पुट्टिकाएं होती है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है जो सिग्नल को दोस्तों संप्रेषण में भेजने लाने ले जाने में दोस्तों मदद करता है। उसके बाद दोस्तों आगे हम बात कर ले तंत्रिकाक्ष के माध्यम से आवेग न्यूरोन से बाहर निकलते हैं, न्यूरोन से यहाँ से जो दोस्तों बाहर निकलते हैं जो भी आवेग होता है वो शरीर के दूसरे हिस्से तक जाता है। अब एक न्यूरोन के ध्रुमाक्ष से दूसरे न्यूरोन के तंत्रिकाक्ष को मिलाने वाले संधि स्थल को दोस्तों संधि स्थल कहते हैं, ये ध्यान रखना है लिख रहे हैं, मतलब एक जो हिस्सा हो गया ये दूसरा आपस में जो जुड़ते हैं दोस्तों ये संधि स्थल से जुड़े हुए होते हैं, ये हमारा हो गया दोस्तों मानव तंत्रिका तंत्र के जो तीन हिस्से थे महत्वपूर्ण हिस्से थे वो हो गए। अब हम देख लेते हैं दोस्तों इसमें जो है क्रिया विधि कैसे होती है, ये सारे आपस में मिलके कैसे काम करते हैं। आगे दोस्तों हम जो है हमारे तंत्रिका तंत्र की कार्य की मतलब ये कैसे काम करता है दोस्तों उसको समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं कई तंत्रिका मिलकर दोस्तों कड़ीनुमा संरचना बनाती है, ये कड़ीनुमा मतलब
एक तंत्रिका दूसरी तंत्रिका से जो आपस में जुड़ी रहती है हड्डियों के द्वारा दोस्तों निर्माण करती है, जो शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से जोड़ती है। हमारे शरीर के जो भी भाग है उनको मेरुरज्जु से होते हुए मस्तिष्क से जो दोस्तों जोड़ती है, ये कड़ीनुमा जो संरचनाएं होती है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, संवेदी तंत्रिका है, जो भी संवेदी तंत्रिका कहाँ होगी, हमारे जीभ में होगी, हमें देखने का हो गया, सुनने का हो गया, सूंघने का हो गया, हाथ की जो त्वचा की जो ये ग्रंथियां जितनी भी होगी, ये सब संवेदी जो है दोस्तों तंत्रिकाएं कहलाती है। ये उद्दीपन जो भी आवेग होता है, जो भी सिग्नल होता है दोस्तों, जैसे आवाज, रोशनी, स्पर्श आदि पर प्रतिक्रिया दोस्तों, किस प्रकार की आवाज, जैसे आपने देखा हो कभी वो तेज आवाज आती है तो हम कान बंद कर लेते हैं क्योंकि वो पर्दों पे जो ज्यादा वाइब्रेट करती होती है, बहुत बार ज्यादा रोशनी आती है तो हम आंखों की पुतलियों को सिकोड़ लेते हैं, या हमने त्वचा से किसी चीज को टच किया, वो कोई देखी जैसे कील हमें चुभी, या कोई गर्म चीज के हमने टच कर लिया, किसी ठंडी चीज के जो टच कर लिया दोस्तों, ये सारे जो उद्दीपन है इन पे प्रतिक्रिया करते हुए इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यहाँ क्या है दोस्तों, मस्तिष्क, हमारा जो मस्तिष्क है वहां तक जो है ये सिग्नल को पहुंचाती है, हमने जो भी टच किया, जो भी देखा, जो भी सुना, जो भी महसूस किया, ये सारे हमारे मस्तिष्क तक जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में क्या होता है दोस्तों, ये पहले से ही जो है चीजें स्टोर करके रख रखी, ये गर्म होता है, ये ठंडा होता है, क्या हुआ, डाटा जो हमने रख रखा उस डाटा से ये मिलान करती है, और मिलान करने के बाद क्या होता है उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी जाती है कि अब आपको वहां से सिग्नल वापस भेजेंगे कि हाथ को हटाना है, इस चीज को सूंघनी, इस चीज को देखनी या नहीं करना, जो भी वो सिग्नल है। अब ये सारे जो सिग्नल है दोस्तों एक जगह से दूसरे जाने तक ये कैसे जाते हैं, विद्युत रासायनिक आवेग के रूप में जाते हैं, विद्युत रासायनिक आवेश इलेक्ट्रोकेमिकल जो है इंपल्स के रूप में दोस्तों ये जाते हैं, इन्हें तंत्रिका आवेग भी कहा जाता है, विद्युत रासायनिक आवेग को तंत्रिका आवेग भी जो दोस्तों यह हम कह सकते हैं। उसके बाद हम बात कर ले दोस्तों, यह तंत्रिका आवेग ही उद्दीपनों को संवेदी अंगों जैसे त्वचा हो गया, जीभ हो गया, नाक, आंख, कान से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाने के प्रसारित करते हैं, वहां तक ले जाते हैं, लान लेके आते हैं, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के रूप में, इस या तंत्रिका आवेग के रूप में ये सिग्नल जो दोस्तों आदान प्रदान होता है। उसके बाद दोस्तों तंत्रिका आवेग द्रुमाक्षय से तंत्रिकाक्ष तक पहुंचते पहुंचते कमजोर पड़ जाते हैं, तो इन कमजोर जो होता है इनको क्या, संधि स्थल पर न्यूरोट्रांसमीटर की सहायता से इन आवेगों को जो है दोस्तों इन संकेतों को फिर से ऊर्जा दी जाती है, फिर से इनको जो है दोस्तों शक्तिशाली किया जाता है, फिर आगे वापस सिग्नल में भेज दिया जाता है, जिससे कि हमारा मस्तिष्क और हमारे जो शरीर कोरिलेट करके इनकी प्रतिक्रिया दे सके। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संचारित संकेत जो चालक तंत्रिकाओं द्वारा प्रसारित होते हैं मांसपेशियों तथा ग्रंथियों को सक्रिय करते हैं दोस्तों, मांसपेशियां जैसे हमारे हाथ में कोई कील चुभ गया, हमको यहाँ से हटानी तो उसको वो सक्रिय करते हैं, ये जैसे सिग्नल जाते हैं। तो ये दोस्तों पूरा जो है तंत्रिका तंत्र का जो है दोस्तों एक मानव तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा था। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो या ये वीडियो को ऐसा लगा, आप इसके ऊपर कमेंट जरूर करें दोस्तों, जिससे कि हमें और आगे वीडियो बनाने में इसमें मदद मिले दोस्तों, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। मिलते हैं कल एक फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।